लोकार्पण शिलान्यास और लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, इस बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री योगेश धामा जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू शिवाज जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब सिंह जी, लोकेश दीक्षित जी, जितेंद्र सतवई जी, सतेंद्र सोलंकी जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री कृष्णवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बागपत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही है और उसी का परिणाम है जब मुझे अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान, मैंने तब पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी।
भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर बहन की रक्षा होगी। याद करिए बागपत, तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी के चीर हरण से ही पड़ गई थी, वो तो होना ही पाए तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, चीनी उनकी कर्म भूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है, हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपने कार्य, योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था,
और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ो देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें? इस सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जूझेगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आ जाया हूं यहां पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या ये पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है, आज सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है, ये जनता वैदिक कॉलेज अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे, तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे ही चलेगा, साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे, बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए। अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन पे सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक भी विश्वविद्यालय खोल दिया है, हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय। और अब हम लोग चल रहे हैं जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, बागपत के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए भी हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आज को चूंकि बड़ौद में कार्यक्रम था तो आज इसलिए बड़ौद में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में, बड़ौद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, यहां का प्रमुख कस्बा है, विकास के नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा। और इसी को लेके आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है, हमारा नौजवान कोचिंग के लिए उसको कहीं देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए आज प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो जाएगा, और तकनीकी दृष्टि जब सक्षम होगा तो भाइयों बहनों इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और उसी लिए हम चाहते हैं कि जनता वैदिक कॉलेज
जमीन की भूमि की सभी मानकों को अगर पूरा करता है, प्रबंधन प्रस्ताव बना करके हमें उपलब्ध करवा दे और प्रदेश सरकार बाकी पैसा लगाएगा और विश्वविद्यालय का एक भव्य रूप आपको पहले साल में उपलब्ध हो जाएगा। तो नया करना ही नहीं है कि सब कुछ औपचारिकताएं आपके पूर्वजों ने पहले से करके रखी हुई है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रयास करना होगा, एक नयापन आएगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी, हमें विकास के सोच के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, विकास की उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बागपत में आज विकास के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है, लोग तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम केवल अपने गांव अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को लाके यहां बताएंगे। खेती बाड़ी सीखनी है तो आइए बागपत में आइए, यहां का गन्ना जाकर के देखिए, थोड़ा दुनिया देखेगी यहां के किसानों के चमत्कार को। यहां का किसान अन्नदाता किसान भी तो सम्मानित होना चाहिए, उसके पुरुषार्थ और उसके परिश्रम को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, यहां की कारीगरी को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, यहां के सूटर को भी तो वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए, यहां के अन्य खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आगे आने वाले युवाओं के लिए भी। आपने देखा होगा एशियन गेम्स में जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है उसने वहां घोषणा की थी कि मैं इसलिए दौड़ी हूं, गोल्ड मेडल इसलिए लाई हूं, उत्तर प्रदेश में मैं डिप्टी एसपी बन जाऊंगी। और हमने कहा चिंता मत करो बेटी, जब हम लोग हैं तो डिप्टी एसपी जरूर बन जाएगी। भैया बहनों, आखिर इन बेटियों को भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दी है, 500 खिलाड़ियों को, इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे। और आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और इसीलिए आज यहां पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहां पर खेल कूद के लिए तमाम सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएंगी, नई विश्व लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए सिरे से संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, नए नए पाठ्यक्रम के साथ युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिस कार्य के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, किसी अन्य जगह जाना होता है उसके लिए सबको आपका यह जनता वैदिक कॉलेज ही विश्वविद्यालय के रूप में बनकर के सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता हुआ दिखाई दे देगा। और उसी के लिए प्रस्ताव हमारे पास आने में देर होगी, बाकी कार्य हम आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जो ये विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये विकास की योजनाएं सड़क से भी है, पुल से जुड़ी हुई है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, पर्यटन से जुड़ी हुई है, पूरा महादेव के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है, बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है। मुझे वहां से जमीन पे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं गत वर्ष भी और इस वर्ष भी पुष्प वर्षा के लिए कावड़ यात्रा के दौरान जरूर आया था। मैं कावड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कावड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी, हमने कहा भी कावड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कावड़ यात्रा को हम चलने देंगे, पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्व उत्सव का देश है, इसमें बैन कैसा, प्रतिबंध कैसा, हाँ अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ोद में आया हूं। भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, यहां पर हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं खासतौर पर अपने जिलाध्यक्ष
श्री वेदपाल उपाध्याय जी को और उनकी पूरी टीम को, अपने माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री हैं केपी मलिक जी, विधायक हैं श्री योगेश धामा जी, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पड़ोत में एक इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर दिया है। मैं पूरे बागपत जनपद वासियों को इन 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र बड़ी योजनाओं के लिए हम लोग बागपत में